हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं गौरव तनेजा की, जो कि फ्लाइंग बीस चैनल ऑपरेट करते हैं और साथ में है पायलट। तो दोस्तों, उन्होंने जो अभी मुद्दा उठाया था पैसेंजर सेफ्टी को लेकर के, तो उनको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जहाँ पर उन्होंने DGCA में उन्होंने एक मेल डाला था, तो जवाब अब तक नहीं पहुँच पाया है और ना ही कोई मीडिया उनको इस न्यूज को ऊपर ला रही है, क्योंकि मीडिया जब आती है जब कोई कांड हो जाता है। तो दोस्तों, मीडिया तो अभी उसी चीज का इंतजार कर रही है कि कांड हो जाए, फिर वो अपने माइक उठाएं और जाकर के सवाल करें, सरकार के ऊपर ब्लेम करें। लेकिन एक पायलट जब बता रहा है कि क्या क्या कमियां एयर एशिया उठा रही है और पैसेंजरों के साथ जो वो कर रही है, पैसेंजर इतने पैसे खर्च करके सफर कर रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं, तो वो मीडिया नहीं उठा पा रही है, ना ही उठाएगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कमरा था, उसने नाम मैं गलत ले रहा हूँ, और दूसरी चीज जो अर्णव गोस्वामी थे उनके पास चलती फ्लाइट में पहुंच गया था और उनसे कई सारे सवाल कर रहा था और रिकॉर्डिंग कर रहा था, तब यही मीडिया पैसेंजर सेफ्टी को लेकर के बवाल खड़ा कर चुकी थी। लेकिन आज जब एक पायलट इस चीज को उजागर कर रहा है तो उनका साथ देने कोई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अब उनको कई लोग ज्ञान भी दे रहे हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका करियर खराब हो जाएगा। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि राजा को क्यों हटा रहे हो, पहले रानी को हटाओ। तो दोस्तों, उनकी जो लास्ट वीडियो थी उन्होंने क्लियर कर दिया कि लोग उनको कई चीजें बोल रहे हैं कमेंट में, सोशल मीडिया पे, और ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि राजा को पहले छोड़ दो, पहले रानी को हटाओ। मतलब ये कि उनकी वाइफ भी पायलट हैं और उनको हटाने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ खुले अंदाजों में कह दिया है, डर्टी गेम चल रहा है, गेम अब यहां तक पहुंच चुका है कि लोग कह रहे हैं राजा को हराना, पहले उसकी रानी को हराओ। आंख में आंख डाल के कह रहा हूं, मेरी रानी को हाथ लगा के देखो। तो दोस्तों, ये चीज चल रही है कंट्रावर्सी और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो पैसेंजर सेफ्टी की बात उन्होंने उठाई है उसको आगे तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।